हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल होप यू डूइंग गुड गाइस। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेजोन विंटर वेयर हॉल और जितने भी आइटम्स हैं प्रोडक्ट्स सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय हॉल स्टोर पे मिलेगी। आज मैं आपको ट्रेंच कोट एंड स्वेट शर्ट हुडीज बहुत अच्छे अच्छे वराइटीज दिखाऊंगी। सो सारे लिंक्स के लिए क्लिक कीजिए माई हॉल स्टोर और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना गाइज। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैंने पिक करा है ये लेदर जैकेट और इस पर मेरा साइज लार्ज है। 1899 रुपीस की मुझे ये मिली है और इसका कुछ पैटर्न कुछ इस तरीके से बाइकर जैकेट जो बहुत प्यारा है गाइस। बैक से कुछ इस तरीके से दिखती है। इसकी जो बेल्ट नीचे को आ रही है वो हाफ बेल्ट आपको मिलेगी और फ्रंट पे तीन पॉकेट्स, एक ऊपर और दो नीचे को है। और बेस्ट पार्ट है कि इसको आप फुल कवर करके भी चेन लगा सकते हैं, उस तरीके से भी बहुत प्यारी लग रही है। और ऐसे हाफ जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही है। स्लीव में इस तरीके से चेन आती है, अगर आपको थोड़ा लूज करना है तो आप चेन ओपन करके पहन सकते हो। और बेल्ट लगाने के बाद जो इसकी लुक आ रही है वो बहुत औसम आ रही है। सो अगर आप कुछ अफोर्डेबल लेदर जैकेट ढूंढ रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, देखने में प्यारी है। हाँ, ये प्योर लेदर मैं नहीं कहूँगी बट हाँ लेदर वाली पूरी लुक दे रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। सो आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में बताओ। अगर आपको लेदर जैकेट पसंद है, आपके यहाँ बहुत सर्दी होती है तो परफेक्ट होगी आपके लिए ये। और इसका जो पैटर्न है साइड वाला ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा जो जैकेट का जो पैटर्न है मैंने ज़ारा में देखा देख रखा है और मेरे घर में ये मेंस वेयर में भी है सेम ऐसा ही लुक में ज़ारा का, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और क्वालिटी बहुत अच्छी है, वार्म आपको बहुत ज़्यादा रखेगी, ये बेस्ट पार्ट है। और इसको प्लाजो या फिर ऐसे जैकेट ना सूट में भी पहनते हो ना तो वो उसमें भी बहुत अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि वेस्टर्न वेयर में ही अच्छी लगेगी। सो इसका जो नेकलाइन है कुछ इस तरीके से है, जो आप करके अगर बहुत सर्दी है तो इस तरीके से लगा सकते हैं। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ए लाइन कोट और ये कोट है जिसपे फ्रंट पे आपको कोई भी बटन्स वगैरह या पॉकेट नहीं मिल रही है। ये मुझे मिली है 1294 रुपीज़ की। 1300 रुपये की ये स्वेट मटेरियल में कोट है जिसका कलर बॉटल ग्रीन बोलो या एमरल ग्रीन मिक्स काइंड ऑफ कलर है गाइस। तो बहुत प्यारा जैकेट है ये और ये बहुत ज़्यादा वार्म भी रख रही है। बट आपको अगर आपके यहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है तो आपको अंदर से कुछ एक वार्म वाला पहनना होगा, ऊपर से जैकेट पहन लो एंड दिल्ली की सर्दी आराम से झेल सकती है जैकेट। सो इसका जो लेंथ वगैरह है, जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत पसंद आई। एज अ श्रग ही कहूँगी बट इसका जो कॉलर दे दिया है वो पूरा कोट की लुक दे रही है, तो ये बेस्ट पार्ट लगे मुझे। और कम्फर्टेबल भी बहुत लगा पहनने के बाद क्योंकि इसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा समय, बट एक आध पॉकेट सामने को होता ना तो 200% और ज्यादा रिकमेंड करती, बट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया है। इसमें मैंने लास्ट साइज लिया है और इस पर आपको कलर ऑप्शंस मिलेंगे, ब्लैक, मरून, ग्रीन, पिंक, तो एक बार आप मस्टर्ड येलो तो वो चेक कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कलर बाय कर सकते हो, पर मेरा करंट फेवरेट ग्रीन कलर है तो मैंने ग्रीन कलर पिक करा है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत प्यारी है। और कम सर्दी भी आपके यहाँ पड़ती है ना तो भी आप आराम से बाय कर सकते हो, बस अंदर इनर मतलब वुलन का कोई पहनने का जरूरत नहीं है, ऐसी पहनोगे नॉर्मल टी शर्ट में तो भी ये बहुत ही कम सर्दी में भी चली जाएगी और अंदर से कुछ पहनोगे तो ज्यादा सर्दी में भी चली जाएगी, तो दोनों तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसलिए मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है सेम ए लाइन कोट गाइज, बट ये मैंडरिन कॉलर के साथ है और इस पर आपको फ्रंट पे बटन्स मिल रहे हैं काफ़ी सारे, लाइक 7 बटन्स है इस पर। और इस पर आपको पॉकेट मिल रही है जिसपे भी पॉकेट में भी ब्लैक कलर की बटन्स बनी हुई है जो बहुत प्यारी लग रही है। मस्टर्ड येलो एंड जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है बहुत औसम है। स्लीव में भी आपको बटन्स मिल रहे हैं एंड इसका प्राइस है 1400 रुपीज़ और इस पर टू कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, ग्रीन एंड ब्लैक। मेरा साइज इस पर लार्ज है, मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप मीडियम पहनते हो तो लार्ज पे क्योंकि आप देख सकते हो मीडियम की फिटिंग लार्ज दे रही है। सो इसे भी मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, ये भी काफी वार्म रख रही है। जैसे कि अगर दिल्ली की बहुत ज्यादा सर्दी है तो अंदर से आपको कुछ वेयर करना पड़ेगा, बट नॉर्मल सर्दी है तो आराम से सिर्फ जैकेट के साथ आप मैनेज कर सकते हो। और इसकी जो लेंथ है वो भी मुझे बहुत परफेक्ट लगी, साड़ी पे, सूट पे, वेस्टर्न वेयर पे, कुर्तीज पे, सभी पे ये जैकेट बहुत अच्छे से चली जाएगी और देखने में भी बहुत प्यारा है। सो ऐसे सॉलिड जैकेट ना विंटर में बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा आपको कुछ स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक मैंने ब्लैक एक पैंट डाला है, एक ब्लैक टॉप डाली है और जो ये मेरी बूट जो फेवरेट बन गई इन दिनों जो अमेजोन से ही है, इसका मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस बूट को मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने बहुत बार पहना है, बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत ही ऑसम बूट है गाइस। सो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर लो। और ये जैकेट को मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, टैन कलर ना बेस्ट ऑप्शन होता है और इसका टेल स्वेड है तो ये वेलवेट लेदर काइंड ऑफ फीलिंग भी देती है, बहुत सॉफ्ट भी है, वार्म भी रख रही है।
नेक्स्ट मैंने पिक करा है डेनिम जैकेट। सो मैं बहुत ज़्यादा डेनिम जैकेट तो नहीं पहनती हूँ, बट कभी कभी नो मुझे डेनिम पहनना बहुत पसंद है। सो इस पे मैंने लार्ज साइज़ पिक करा है और ये मुझे मिली है 1749 रुपीज़ की। बहुत ही ऑसम जैकेट है गाइज, ये पूरा मतलब एक होता है लूज़ फिटिंग वाली जैकेट वैसी ही है, और आप थोड़ा सा फिटेड चाहते हो तो एक साइज़ डाउन ले सकते हो। इस पे आपको फ्रंट पे 2 पॉकेट्स मिल रहे हैं और ये शॉर्ट काइंड ऑफ जैकेट है जिस पे मैंने एक रेड स्वेटर डाला, और ये सरोजनी से इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी स्वेटर का, तो आप कोई भी स्वेटर के अंदर स्टाइल कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा यू नो कॉन्ट्रास्ट कलर में आपको दिखाया है क्योंकि मुझे रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन और टैन कलर का ये बूट बहुत ऑसम लग रही है। आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में बताओ। डेनिम जैकेट ये 200% रिकमेंड करूंगी, क्वालिटी इसकी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है और साइज फिटिंग वगैरह भी मुझे बहुत पसंद आई। एंड अगेन ये वाली जो बूट्स है इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। आपने मुझे देखा होगा अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर रहे हो तो कि मैं जहां भी दिल्ली में जा रही हूं मैं यही वाला बूट पहन रही हूं क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ऑसम है गाइज। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कैसी लगी ये वाला जैकेट आप मुझे बताओ, मुझे तो बहुत पसंद आई इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। इसका जो मटेरियल है ना वो जब आपको रिसीव होगी तब आपको क्वालिटी समझ में आएगी, बहुत ऑसम क्वालिटी है। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये पर्पल रेगुलर हुडी गाइस, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हुडी है। इस पर मेरा साइज़ एक्सल है, मैंने 2 साइज़ अप लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा लूज काइंड ऑफ हुडीज पहनना पसंद है। आप चाहो तो अपनी साइज़ की भी ले सकते हो, और ये इस पर जो BTS लिखा हुआ है इसकी वजह से मैंने इसे बाय करा है। अगर आप BTS के फ़ैन हो तो ये हुडी आपके लिए परफेक्ट है। इस पर आपको कलर ऑप्शन एक डार्क पर्पल की भी मिलेगी तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उस पर उस टाइम साइज़ अवेलेबल नहीं थी वरना मैं उसे 100% बाय करती हूं। जो फ्रंट में ये पॉकेट है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है हुडीज पे, और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत वार्म रखेगी आपको, इसकी क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। 799 इसका प्राइस है, तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी। और इसको मैंने स्टाइल करा है बस सेम बूट्स के साथ जो मैं इन दिनों मेरा फेवरेट चल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, 100% ग्रैब कर सकते हो। और ये मैंने एक अमेजोन से बैग मंगाई है जो मुझे 700 रुपीज़ की मिली है, और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इस पर डालकर आपको दिखा दिया क्योंकि इन दिनों ये पर्पल कलर मेरा यू नो बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रहा है, तो मुझे ये बैग बहुत प्यारी लगी। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं कि आप इतना मैचिंग ही बैग लो, आप दूसरा भी ले सकते हो। मैंने इसे अभी लिया है ये कलर इसलिए मैंने आपको इस हॉल में दिखा दिया। बैग को भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड इस पर एक स्लिंग भी आपको मिल रही है प्लस ऐसी चेन भी मिल रही है, तो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसकी क्वालिटी लेदर काइंड ऑफ है, काफ़ी स्पेस भी अंदर आपको मिल रही है और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। सो कैसा लगा आज का हॉल कॉमेंट में ज़रूर से बताएं गाइज। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय guys.